नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार के बाद यदि बॉलीवुड में कोई एक और अभिनेता की बात की जाए जो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लगातार फिल्में साइन करते रहते हैं, उनकी भी एक के बाद एक फिल्में आने वाली है, तो दोस्तों वो एक्टर है अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन भी अक्षय कुमार की तरह लगातार बिजी रहने वाले एक्टरों में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। उनके पास भी फिल्मों की लाइनें लगी हुई है। अभी 2022 में हमने उनको गंगूबाई काठियावाड़ी में देखा था, बेहद ही शानदार रोल था, हालांकि एक कैमियो रोल था। इसके बाद में एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर में भी वे नजर आए थे और वहां भी उनका रोल काफी अच्छा था। बाद में उनके खुद के प्रोडक्शन की फिल्म रनवे 34 जिसमें उनके साथ महानायक अमित जी थे, इसमें भी अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे। और इसी वर्ष उनकी कम से कम दो फिल्में और रिलीज हो सकती है, जिनमें एक मैदान है और दूसरी दोस्तों थैंक गॉड है। तो दोस्तों, अजय देवगन के पास बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने अजय देवगन की एक खासियत नोटिस की कि वे अपनी अजय देवगन की विशेषता है कि वे अपनी सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो मैं आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ कि अजय देवगन अपनी कौन कौन सी हिट फिल्मों के सीक्वल बनाने जा रहे हैं। पहले तो रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम, उसका सीक्वल तो अगले वर्ष शुरू हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म रिपोर्ट है। इसके अलावा अजय देवगन की 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रेड, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट रही थी, अजय देवगन की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, तो उस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है रेड 2 नाम से। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का कार्य है वो इस समय चल रहा है और जल्दी ही इस फिल्म का काम पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2023 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अजय देवगन की एक और फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था सन ऑफ सरदार, तो उसका भी सीक्वल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसका सीक्वल भी मतलब जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी भी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि अजय देवगन की जो एक और फिल्म है जो भी काफी बड़ी हिट हुई थी दे दे प्यार दे, जिसे उसका सीक्वल भी मतलब अनाउंस किया जा चुका है और उसका जो प्री प्रोडक्शन का काम है जोरों शोरों से जारी है। लव रंजन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और इसकी शूटिंग भी अगले वर्ष शुरू हो सकती है। तो अजय देवगन एक के बाद एक कई फिल्मों में इस प्रकार से नजर आने वाले हैं। तो अजय देवगन के प्रशंसकों के लिए ये काफी अच्छी खबरें हैं कि अजय देवगन अपनी हिट फिल्मों के सीक्वल बना रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि उनकी एक हिट फिल्म आई थी दृश्यम, दृश्यम काफी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, उसका सीक्वल भी बनाया जा रहा है दृश्यम 2 और उसको शूटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और वो फिल्म भी जल्दी ही रिलीज हो सकती है, उसकी भी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। तो अजय देवगन लगातार अपनी हिट फिल्मों के मतलब सीक्वल बनाते जा रहे हैं। आप अजय देवगन के इस विचार को कैसा मानते हैं, उनके इस आइडिया को कितना बेहतर मानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपको इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म का सीक्वल का सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।